हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास टेंथ का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 6A और ये हमारा आर एस वॉल का सॉल्यूशन होगा। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 13 से कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में प्रीवियस क्वेश्चंस किया हुआ है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है या फिर जो उसका वीडियो हमारे प्ले लिस्ट में अवेलेबल है, तो आप उस वीडियो को वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर 6A जो है क्वेश्चन नंबर 13 में बोला जा रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम थ्री गिवन पॉइंट्स ए बी एंड सी। हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है जो कि इक्विडिस्टेंट है और तीन पॉइंट हमें गिवन है ए बी एंड सी। तीनों जो पॉइंट है ये इक्विडिस्टेंट है, तब यहाँ पे हम जो कोऑर्डिनेट है, जो हमारा कोऑर्डिनेट्स है ओ, इसको हम लेट कर लेते हैं। लेट कोऑर्डिनेट्स इक्वल टू ओ एक्स और वाई लेट कर लेते हैं। चूंकि यहाँ पे हमें कोई एक्सिस नहीं गिवेन है, इसलिए हम दोनों एक्सिस ले लिए, एक्स और वाई दोनों एक्सिस ले लिए। और यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो भी पॉइंट है ये इक्वी डिस्टेंस है, ए जो पॉइंट है, बी जो है और सी जो है, ए का वैल्यू हमें गिवेन है 5 और 3, बी का गिवेन है 5 और -5 और C 1 -5। ये जो गिवेन है तीनों पॉइंट ये इक्वी डिस्टेंट है, तो हमें कोऑर्डिनेट बताना क्या होगा। तो कोऑर्डिनेट को हम लेट कर लिए ओ इक्वल टू एक्स और वाई। अब चूंकि क्वेश्चन हमें गिवेन है कि ये तीनों जो है इक्वी डिस्टेंट है, तो हम इसको ले सकते हैं ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी। तीनों पॉइंट जो है ओ, जो हम कोऑर्डिनेट लेट किए थे ओ ए लिख दिए हैं, ओ बी एंड ओ सी। अब हम तीनों पे डिस्टेंस फार्मूला को पहले अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ओ ए, ओ ए का डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे, या फिर यहीं पर हम स्क्वायरिंग कर लेते हैं। जब स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ओ ए का स्क्वायर ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू ओ सी का स्क्वायर। अब यहाँ पे ओ ए जो डिस्टेंस फार्मूला हमारा होता है, जो डिस्टेंस फार्मूला वो होता है अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, ये होता है। और जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा डी स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, और स्क्वायरिंग की है इसलिए स्क्वायर। तो स्क्वायर से यहाँ पे इफेक्ट ये पड़ेगा कि ये जो रूट है ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि रूट इंटू रूट मल्टीप्लाई करते तो रूट कैंसिल हो जाता है। यानी यहाँ पे हो जाएगा डी स्क्वायर इक्वल टू, रूट कैंसिल हो जाएगा, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे डी स्क्वायर आ गया है, यानी डी का स्क्वायर। तो डी जो है डिस्टेंस हमारा, ये हम ओ ए ओ बी और ओ सी लिए हैं। जब ये स्क्वायर लगा हुआ है तो हमें रूट देने की जरूरत नहीं है, यानी डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर इक्वल टू, फिर ओ बी के जब भी सेम फॉर्मूला, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, एंड ओ सी के जगह भी वही सेम फार्मूला, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। हम तीनों को साथ लेके चल रहे हैं, यदि आप हो सके तो दो को लेके चलिए फिर उसको तीसरा को सॉल्व कीजिए, या फिर तीनों को भी साथ में लेके चल सकते हैं। अब यहाँ पे ओ ए का हमें एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू चाहिए, यानी एक्स वन वाई वन ओ ए के लिए। तो ओ ए यानी यहाँ और यहाँ पे यदि हम ध्यान दें तो हमारे पास एक्स वन इक्वल टू हो जाएगा एक्स, वाई वन इक्वल टू हो जाएगा वाई, एक्स टू इक्वल टू हो जाएगा 5 और वाई टू इक्वल टू हो जाएगा 3 ओ ए के लिए। अब ओ बी के लिए भी निकाल लेते हैं, ओ बी के लिए, ओ बी के लिए ओ तो सेम है बट बी यहाँ पे, यानी एक्स वन इक्वल टू हमारा हो जाएगा एक्स, वाई वन इक्वल टू वाई, एंड ओ सी के लिए, ओ बी के लिए एक्स वन वाई वन हो गया, अब एक्स टू वाई टू चाहिए, यानी एक्स टू इक्वल टू हो जाएगा 5 और वाई टू इक्वल टू हो जाएगा -5। ओ बी का हो गया, अब ओ सी का भी लिख लेते हैं। ओ सी का हमारा हो जाएगा एक्स वन इक्वल टू एक्स, वाई वन इक्वल टू वाई, एक्स टू इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1 और वाई टू इक्वल टू हो जाएगा -5। तो फिर से इसको एक बार रिपीट कर देते हैं हम,
हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है जब तीन पॉइंट गिवेन है और तीनों इक्विडिस्टेंट है। तो यहाँ पे हम जो लेट है कोऑर्डिनेट जो फाइंड करना था उसको हम एक्स और वाई फाइंड कर लिए, चूंकि कोऑर्डिनेट का एक्सिस हमें गिवेन नहीं है इसलिए एक्स और वाई दोनों एक्सिस को हम लिए हैं। अब चूंकि क्वेश्चन में गिवेन है कि इक्विडिस्टेंट है इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी, लिख लिए। अब जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा ओ ए का स्क्वायर ओ बी का स्क्वायर ओ सी का स्क्वायर, और स्क्वायर का हम डायरेक्टली फॉर्मूला यहाँ पे डिस्टेंस का फॉर्मूला तो ये होता है कि डी इक्वल टू अंदर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। बट स्क्वायरिंग करके हम पहले रूट को कैंसिल कर लिए तो रूट हमारा कैंसिल हो गया, नहीं हो गया डी स्क्वायर इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। अब चूंकि डी पे स्क्वायर आ गया तो डी डिस्टेंस है, यहाँ पर भी ओ ए डिस्टेंस ही है स्क्वायर में, ओ बी डिस्टेंस ही है और ओ सी भी डिस्टेंस ही है, दोनों तीनों का स्क्वायर लगा हुआ है। तो हम फॉर्मूला को लिख दिए यहाँ पे x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, तीनों में सेम फार्मूला। अब फार्मूला लिखने के बाद यहाँ पे हम ओ ए, तो ओ ये रहा और ए ये रहा, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू लिख लिए। फिर ओ बी के लिए ओ तो हमारा सेम है बट बी ये हो जाएगा तो एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू ये लिख लिए, और ओ सी के लिए भी हमारा ओ सेम रहेगा सी ये हो जाएगा यानी एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू ये हम लिख लिए। अब इस वैल्यू को हमें इसमें पुट करना होगा तो पहले आप इतना को नोट डाउन कर लें। अब हम इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे यानी इसमें बोला जा रहा है x2 टू माइनस एक्स वन, तो x2 जो है 5 और x1 जो है x, यानी 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y2 टू माइनस वाई वन यानी y2 टू 3 माइनस y का होल स्क्वायर इक्वल टू अगेन OB के लिए x2 टू माइनस एक्स वन यानी 5 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 टू माइनस वाई वन यानी माइनस 5 माइनस y का होल स्क्वायर इक्वल टू। अब OC के लिए x2 टू माइनस एक्स वन यानी 1 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 टू माइनस वाई वन यानी माइनस 5 माइनस y का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको हमें सॉल्व करना होगा यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर सारा अप्रॉक्स सबको हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ना होगा। तो इसको तोड़ लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस इसको भी a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ लेते हैं यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी एक तरफ का हो गया। अब बीच वाले पार्ट को हम सॉल्व करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस टू ए बी इसको तोड़ लेते हैं ए स्क्वायर यानी माइनस फाइव का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी वाई का स्क्वायर माइनस टू ए बी इक्वल टू अब इसको तोड़ लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस अब इसको भी तोड़ लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी सारे को हम लिख लिए। अब इसे हमें सॉल्व करना होगा यानी 5 का स्क्वायर करेंगे 25 प्लस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y इक्वल टू ये हमारा जो होगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे 25 प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे यदि हम देखें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10y इक्वल टू 1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 10y ये हो गया। अब इतने पार्ट को हमें सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम जो कांस्टेंट पार्ट है उसको ऐड कर लेते हैं यानी 9 और 25 इसको ऐड करेंगे 34 हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर ही रहने देते हैं यहाँ पे वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर ही रहने देते हैं माइनस 10x और ये माइनस 6y ये हो गया।
इसमें भी वही काम कर लेते हैं, यहां कांस्टेंट और यहां कांस्टेंट, यानी 25 और 25 हमारा हो जाएगा 50 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 10y इक्वल टू यहां पे भी 1 और यहां 25, ये हमारा हो जाएगा 26, 1 और 25 26 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10y ये हमारा हो गया। तो आप पहले इतने पार्ट को एक बार नोट डाउन कर लें। अब यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन जो आया है, अब इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे कि दो का पहले पेयर ले चलेंगे, इन दोनों को पहले लेके चलते हैं। तो यहाँ पे 34 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 6y है, इस सारे टर्म को हम पहले इस तरफ भेजते हैं, चूंकि तीनों इक्वल है इसलिए हम चाहे तो इन दोनों को एक साथ लें या फिर इन इसको और इसको साथ लें, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, आपकी मर्जी, आप इसको इसको लें, इसको इसको लें या इसको इसको लें, तीनों में से किसी को एक साथ दो लेके चल सकते हैं चूंकि तीनों इक्वल है आपस में। तो 6y ये प्लस में है, इधर आया तो माइनस में 50, ये प्लस में है इधर आया तो माइनस में एक्स स्क्वायर, ये प्लस में है इधर आया तो माइनस में वाई स्क्वायर, और ये माइनस में है इधर आया तो प्लस में 10y, और ये प्लस में है इधर आया तो माइनस में 10y इक्वल टू 0, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में है, एक्स स्क्वायर माइनस में है, ये कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस है वाई स्क्वायर माइनस, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 10x जो है ये माइनस में है, यहाँ पे 10x था माइनस 10x था, तो ये y हम लिख दिया मिस्टेक से, यहाँ पे 10x होगा, तो 10x ये प्लस में है और ये माइनस में है, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी बच के जाएगा तो 34 है यहाँ पे और यहाँ पे माइनस 50, तो 50 में से जब 34 को माइनस करेंगे चूंकि ये बड़ा इसलिए माइनस 16 हो जाएगा, माइनस 16, और बच क्या गया, यहाँ पे वाई है और यहाँ पे वाई है, दोनों माइनस में है, 10y और 6y, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 16y इक्वल टू 0। अब इसको हम उस तरफ भेज लेते हैं, तो ये माइनस 16y है इक्वल टू, ये माइनस में जाए तो प्लस में, यानी y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 16 माइनस 16, यानी y इक्वल टू माइनस 1। तो एक वैल्यू मेरे पास आ गया। अब फिर से दो को लेके चलेंगे तो फिर दूसरा वैल्यू आ जाएगा, पहले आप इतने को नोट डाउन कर लें। अब y इक्वल टू हमारा जो था माइनस 1 आ चुका है जब हम ये और ये लिए थे, अब चाहे तो हम ये भी ले सकते हैं, OB और OC, ये हमारा OA था OB था OC था, या फिर हम ले लेते हैं OA इक्वल टू OC, यानी इसको और इसको लेके चलते हैं, आपकी मर्जी, आप इसको इसको भी लेके चलें या इसको इसको भी लेके चलें, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो ये जो है 34 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 6y इक्वल टू, इसको लेते हैं 26 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10y, ये ले लिए, इस सारे टर्म को इस तरफ करते हैं, यानी 34 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 6y माइनस 26 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस, नहीं ये माइनस में था तो प्लस, और ये प्लस में तो माइनस में 10y इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस हो गया, माइनस हो गया कैंसिल, वाई स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल हो गया, अब बच क्या जाएगा मेरे पास, तो यदि यहाँ पे हम देखें तो 10x है, पहले तो देख लेते डिजिट को, 34 और 26, यानी ये हमारा हो जाएगा 14 में से 6 को माइनस करेंगे तो 8, और ये 220 यानी 8 हो जाएगा, यहाँ पे 10x है और यहाँ पे 2x है, यानी 10 में से 2x को जब हम माइनस करेंगे, 10 में से 2x को माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस 8x, और यहाँ पे 6y है माइनस में और यहाँ पे 10y, तो ये हो जाएगा 16y इक्वल टू 0। चूँकि y का वैल्यू आ गया है तो y का वैल्यू हम पुट भी कर देते हैं, यानी ये हो जाएगा 8 माइनस 8x माइनस 16 इंटू वाई का वैल्यू माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी ये हो जाएगा 8 माइनस 8x माइनस माइनस प्लस 16 इक्वल टू 0, और इसको हम थोड़ा सा हटा लेते हैं। अब यहाँ पे 16 और 8 इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारा जाएगा 24 माइनस 8x इक्वल टू 0, और ये प्लस में है उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा माइनस 8x इक्वल टू माइनस 24 माइनस माइनस कैंसिल, यानी x इक्वल टू हो जाएगा 24 बाई 8, यानी x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3। तो इस तरीके से हमारे पास x का वैल्यू आ गया 3 और y का वैल्यू 1। तो जो हम कोऑर्डिनेट लेट किए थे
कोऑर्डिनेट जो हम लेट किए थे वो हमारा था एक्स वाई, ये था। तो एक्स का वैल्यू आ गया मेरे पास 8 और वाई का वैल्यू आ गया -1, यही हमारा सॉरी, तो एक्स का वैल्यू 3 आ जाएगा, 3 और वाई का वैल्यू -1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें।